सोडेस टॉपिक इज इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट फ्रॉम डू यू मीन बाय इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट इज नथिंग बट इट कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स एंड दिस टेक प्लेस ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ अटैकिंग रिएजेंट। इसका मतलब क्या हुआ सी फॉर एग्जाम्पल वी हैव दिस कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन ठीक है यहाँ पे हमारे पास क्या है कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन वन इज सिग्मा बॉन्ड इन डबल बॉन्ड एंड वन बॉन्ड इज पाई बॉन्ड सो जैसे ही कोई भी अटैक करेगा मे बी सम इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल मतलब क्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉन डेफिशियंट स्पीशीज या तो अटैक करेगा या तो न्यूक्लियोफाइल मीन्स इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज नाउ सम्बड़ी इफ इट इज अटैकिंग टू आर अल्किन ठीक है अल्किन भी होता है एक सिंगल बॉन्ड और एक डबल बॉन्ड अगर ये जाके अटैक करता है

इंडक्टिव इफेक्ट इफ यू नॉट सेव दीडियो ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट यू कैन चेक दैट इंडक्टिव इफेक्ट परमानेंट होता है देर इज पार्शियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड इट इज अ परमानेंट इफेक्ट एंड देर इज अ मोबिलिटी ऑफ सिगमा इलेक्ट्रॉन इन दैट ओके सो द प्रेजेंस ऑफ अटैकिंग रिएज इज मस्ट फॉर दिस इफेक्ट टू टेक प्लेस अगर कोई अटैक नहीं कर रहा तो वैसे के वैसा ही रहता है देर इज नो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस इट एक्सप्लेन्स द रिएक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन मल्टीपल बॉन्ड डबल या ट्रिपल बॉन्ड में ये पॉसिबिलिटी हमें दिखती है एंड इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट इज ट्रांसमिटेड थ्रू अ चेन ऑफ कार्बन एटम हैविंग कॉन्जुगेटेड पाई बॉन्ड सिस्टम व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्जुगेटेड कॉन्जुगेटेड मतलब हो जाएगा ऑल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड इफ देयर इज ऑल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड देन दिस सिस्टम कुड बी सीन इन अ लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन सो इफ यू सी यर यहाँ पे कार्बन नंबर वन पे डबल बॉन्ड हुआ है देन बिटवीन वन एंड टू सिंगल बॉन्ड टू एंड थ्री डबल बॉन्ड थ्री एंड फोर सिंगल बॉन्ड फोर एंड फाइव डबल बॉन्ड सो अगर ऑक्सीजन ने दो इलेक्ट्रॉन ले लिए तो ये डबल बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आए देन दिस बिटवीन फोर एंड फाइव शिफ्ट टू द नेक्स्ट एंड इफ यू सी द प्रोडक्ट ऑक्सीजन एव गॉट द नेगेटिव चार्ज दिस कार्बन एव गेंड डबल बॉन्ड And if you see the number, if I put it 1, 2, 3, 4, 5, the double bond have changed or is the last carbon has no option, it gets positive charge. So one atom will get negative charge, so is pulling the electron, another atom will get a positive charge. So next let's see what are the types of electromagnetic effect. Electromeric effect is of two types, positive and negative and it is denoted by plus E and minus E. प्लस सी मतलब पॉजिटिव इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट क्या हो जाएगा जब कोई अटैक कर रहा है समझो कोई इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है ना इलेक्ट्रोफाइल मतलब क्या है वो गरीब है उसको दो इलेक्ट्रॉन्स चाहिए तो ये इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा जैसे ही इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक किया वन ऑफ द कार्बन विल गेट नेगेटिव चार्ज एंड अदर विल गेट अ पॉजिटिव चार्ज तो जो नेगेटिव चार्ज वाला इलेक्ट्रॉन है वहां पे इलेक्ट्रोफाइल जाके अटैच हो जाता है जिस एलिमेंट को इलेक्ट्रॉन्स मिलने वाले उस पर जाके इलेक्ट्रोफाइल अटैक हो जाएगा so at अटैक होने वाला है इलेक्ट्रॉन उसके पास जाएगा जबकि नेगेटिव क्या हो जाएगा वेन द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस अवे फ्रॉम अटैक ऑफ अटैकिंग रिएजेंट इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाएगा उस एलिमेंट के पास जाएगा जहाँ पे अटैक नहीं हो रहा है सो इफ आई से इफ यू सी दिस एरो द रेड एरो इट इज इफ आई नंबर रेड इलेक्ट्रॉन्स आर गोइंग टू कार्बन नंबर टू मतलब जो एटम पे अटैक नहीं होने वाला उस पर ये न्यूक्लियोफाइल uh, uh, या इलेक्ट्रॉन्स जाके बैठेंगे सो बेसिकली व्हेन इलेक्ट्रोफाइल इज अटैकिंग वी गेट एन एटम विच इज़ पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट शो कर रहे हैं एंड नेगेटिव इंडक्ट इफेक्ट टाइम जब न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहे हैं सो अ कंप्लीट इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट वुड बी इट्स अ टेम्पररी इफेक्ट वेन इट्स इट सीन ओनली वेन सम इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल अटैक किस पे अटैक होगा पाई बॉन्ड पर होगा अगर इलेक्ट्रॉन्स अगर इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है तो वो इलेक्ट्रॉन्स किसके पास जाएंगे जहाँ पे अटैक हो रहा है और जब न्यूक्लियर अटैक हो रहा है जहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है उस पर वो इलेक्ट्रॉन्स नहीं जाएंगे दूसरे वाले आइटम के पास जाएंगे क्योंकि न्यूक्लियोफाइल ऑलरेडी अपने इलेक्ट्रॉन्स देने वाला है। सो आई होप दिस कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट इज क्लियर इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब थैंक यू